कैनेडा अते भारत दे रिश्ते लगातार खराब हो रहे ने, जिस दे चलदे एक डर दा माहौल पंजाबियां च नजर आ रहा है, क्योंकि कैनेडा दे विच एक छोटा जा मिनी पंजाब बनिया होया है, जिस दे विच लखां पंजाबी इधरों उधर जाके बसे हुए ने, पर उन्हां दे दिल च भी पंजाब तां बसदा ही आ। ते सारे माहौल खराब दे चलदे जिथे वड्डे वड्डे विज्ञानियों के वलों बुद्धिजीवियों के वलों अपना पक्ष रख्या जा रहा, उत्थे ही इस पूरे तमाम मुद्दे दे विच हुण एंट्री हुई है SGPC दी। SGPC दे वलों भी अपना पक्ष रख्या गया, उत्थे ही कैनेडा अते भारत दे इस रिश्ते नूं लै के SGPC दे वलों भी कुछ बयान दिते गए ने। देखिए पंकज जी, जो इंडिया और कनाडा का जो अभी विवाद चल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। पिछले काफ़ी लंबे समय से कनाडा और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए पंजाब के लोगों ने, पंजाबी लोगों ने कनाडा को चुना और वहाँ जाकर के काफ़ी लोग, लाखों की लोग गिनती में लोग वहाँ कनाडा में बसे हैं और आज वो सिटीजन बने हुए हैं और बहुत तरक्की की है। और पिछले कुछ समय से ये जो हालात बिगड़ रहे हैं अब कनाडा के और इंडिया के, इसमें सभी लोगों की बहुत चिंता बढ़ी हुई है, खास करके पंजाब के लोगों की और पंजाबियों की चिंता तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि कनाडा को मिनी पंजाब बोला जाता है और हिंदुस्तान में पंजाब जो है, पंजाब का सूबा जो है, वो पंजाबियों का घर है। तो मैं समझता हूँ ये जो मसला खड़ा किया गया है, पहले इनके राजनीतिक लोग राजनीतिक थे, डिप्लोमेट, उनको वापस बुलाया गया है, अभी और मसला गंभीर होता जा रहा है। तो जो दोनों के देशों में हित में नहीं है, दोनों देश इसमें जितनी जल्दी हो सकती है उसको इसको खत्म करें और आपस में मिल बैठ के, मैं दोनों प्राइम मिनिस्टर को बेनती करता हूँ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बेनती करता हूँ कि आपसी जो रिश्ते हैं उनको सुधारो और दोनों प्राइम मिनिस्टर बैठ के जल्दी तो जल्दी बैठ के इन जो विवाद चल रहा है उसको खत्म किया जाए। पिछले समय में जब अरूडो साहब यहाँ पंजाब में आए थे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका बहुत वेलकम किया गया था, बहुत भारी स्वागत किया गया था, मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी ट्रूडो साहब को भी बेनती करता हूं और खास तौर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको भी बेनती करता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है ये मसला जो है इसको सुधार लाएं और ये मसला उसको तुरंत खत्म करें, ना सिटीजन और उधर जो कनाडा में रहते हैं, जो इधर के लोग रिश्तेदार रहते हैं, उनके मन में बहुत गंभीर चिंता बढ़ी हुई है। तो मैं ये बेनती करता हूं। कैनेडा अते भारत दे रिश्ते लगातार खराब हो रहे ने, जिस दे चलदे एक डर दा माहौल पंजाबियां च नज़र आ रहा है, क्योंकि कैनेडा दे विच एक छोटा जा मिनी पंजाब बनिया होया है, जिस दे विच लखां पंजाबी इधरों उधर जाके बसे हुए ने, पर उन्हां दे दिल च भी पंजाब तां बसदा ही आ। ते सारे माहौल खराब दे चलदे जिथे वड्डे वड्डे विज्ञानियों के वलों बुद्धिजीवियों के वलों अपना पक्ष रख्या जा रहा, उत्थे ही इस पूरे तमाम मुद्दे दे विच हुण एंट्री हुई है SGPC दी। SGPC दे वलों भी अपना पक्ष रख्या गया, उत्थे ही कैनेडा अते भारत दे इस रिश्ते नूं लै के SGPC दे वलों भी कुछ बयान दिते गए ने। देखिए पंकज जी, जो इंडिया और कनाडा का जो अभी विवाद चल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। पिछले काफ़ी लंबे समय से कनाडा और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए पंजाब के लोगों ने, पंजाबी लोगों ने कनाडा को चुना और वहाँ जाकर के काफ़ी लोग, लाखों की लोग गिनती में लोग वहाँ कनाडा में बसे हैं और आज वो सिटीजन बने हुए हैं और बहुत तरक्की की है। और पिछले कुछ समय से ये जो हालात बिगड़ रहे हैं अब कनाडा के और इंडिया के, इसमें सभी लोगों की बहुत चिंता बढ़ी हुई है, खास करके पंजाब के लोगों की और पंजाबियों की चिंता तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि कनाडा को मिनी पंजाब बोला जाता है और हिंदुस्तान में पंजाब जो है, पंजाब का सूबा जो है, वो पंजाबियों का घर है। तो मैं समझता हूँ ये जो मसला खड़ा किया गया है, पहले इनके राजनीतिक लोग राजनीतिक थे, डिप्लोमेट, उनको वापस बुलाया गया है, अभी और मसला गंभीर होता जा रहा है। तो जो दोनों के देशों में
हित में नहीं है। दोनों देश इसमें जितनी जल्दी हो सकती है उसको इसको खत्म करें और आपस में मिल बैठ के, मैं दोनों प्राइम मिनिस्टर को बेनती करता हूं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बेनती करता हूं कि आपसी जो रिश्ते हैं उनको सुधारो और दोनों प्राइम मिनिस्टर बैठ के जल्दी तो जल्दी बैठ के इन जो विवाद चल रहा है उसको खत्म किया जाए। पिछले समय में जब अरूड़ो साहब यहां पंजाब में आए थे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका बहुत वेलकम किया गया था, बहुत भारी स्वागत किया गया था, मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी ट्रूडो साहब को भी बेनती करता हूं और खास तौर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको भी बेनती करता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है ये मसला जो है इसको सुधार लाएं और ये मसला उसको तुरंत खत्म करें। ना सिटीजन और उधर उधर जो कनेडा में रहते हैं, जो इधर के लोग रिश्तेदार रहते हैं, उनके मन में बहुत गंभीर चिंता बढ़ी हुई है, तो मैं ये बेनती करता हूं।